रंगापुर नाम का एक गांव था। वो बहुत ही बड़ा गांव था। उसके ठीक बगल में एक जंगल था। उस जंगल में एक डरपोक भूतनी रहा करती थी। उसे मनुष्य या जानवर से बहुत भय था। भय के साथ साथ उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसे जब भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, तब वो गांव में जब सभी सो जाया करते थे, रात के अंधेरे में धीरे से जाती और किसी के घर में जाकर वहां जो भी उसे खाने मिलता उसे खा जाया करती। पर पूनम की रात जैसे चांद बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, उस चमकती रोशनी के कारण किसी के भी घर जाने में उसे डर सा लगा रहता कि कोई उसे देख न ले। इसी कारण उसे पूनम की रात के दिन भूखा ही रहना पड़ता था। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम छुटकी था। छुटकी बहुत ही होशियार लड़की थी। अपने माता पिता के काम में सहायता करने के लिए तत्पर रहा करती थी। स्कूल में भी अव्वल आया करती थी। पर वे लोग बहुत दीन थे। उसके पिता को 3 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बावजूद भी कभी कभी उन्हें खाना नहीं मिल पाता था। इस तरह जब उन्हें खाना मिलता खा लिया करते और जिस दिन ना मिलता उपवास रहा करते। ऐसे ही जीवन कट रहा था। ऐसे में आया छुटकी का जन्मदिन। तब छुटकी ने अपने पापा से कहा, पापा आने वाले 2 दिनों में मेरा जन्मदिन है ना। मेरे स्कूल में जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो वे सभी केक लाकर सबको बुलाकर काटकर खिलाते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ ना। अगर माँ होती तो ये सब करती है ना पापा। मुझे बहुत बुरा लगता है पापा। अपनी मासूम बेटी के सवालों पर क्या जवाब दिया जाए ये रमेश को नहीं समझ रहा था। बेटा तुम सही कह रही हो। तुम्हारे दोस्त अपना जन्मदिन बहुत जोरों शोरों से मनाते हैं, पर बेटा उनके पिता बहुत धनवान लोग हैं, पर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा बेटा। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसी बड़ी दावतें हमसे नहीं हो पाएंगी बेटा। तुम ये सब सोचना बंद करो और जाकर सो जाओ। कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। इस तरह उसे बहला फुसला कर भेज दिया। पर रमेश के मन में उसकी कही बातें चल रही थी। वो सोच रहा था कि उसके लिए कोई चीज लाए। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है मेरी। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ पूछा, पर मैं वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी ऐसी दीन स्थिति मेरी बेटी की एक इच्छा को पूरी नहीं कर पाया। मेरा जीना या मरना एक समान है। तब उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ खास करेगा। अगली सुबह रमेश अपने दोस्त के पास गया और कुछ ही दिनों में वापस लौटाऊंगा ऐसे कहकर ब्याज पर कुछ रुपए उससे लिए। उसने अपने दोस्त को धन्यवाद कहा। उन पैसों को लिए घर लौटा रमेश ऐसे सोच रहा था, मेरी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे बस में जितना होगा मैं वो करके रहूंगा। मैंने सोच लिया है, अब इन पैसों से मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। छुटकी जैसे ही उठेगी इन चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर रमेश ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए और उन्हें घर पर लाकर छुटकी के नजरों से बचा कर रखा। अभी इन व्यंजनों के बारे में मैं छुटकी को कुछ नहीं बताऊंगा। कल जब वो उठकर देखेगी तो इन्हें देखकर खुश हो जाएगी। ऐसा मन ही मन सोचकर रमेश ने उन चीजों को छुपा कर रखा और अपने कमरे में सोने चला गया। एक दिन पहले पूनम की रात होने की वजह से कुछ न खाई भूतनी बहुत भूखी थी। अन्न के तलाश में गांव में घूम रही उस भूतनी को रमेश के घर के सामने व्यंजनों का सुगंध आ रहा था। हाँ, जब भी इस घर में जाती हूँ सारे बर्तन खाली ही मिलते हैं, पर आज इसी घर में पकवानों की खुशबू आ रही है। चाहे जो भी हो, भूख के मारे मर कर जिंदा हुई मैं, फिर से भूख के मारे कहीं मर न जाऊं, इससे अच्छा है कि जाकर वहां जो भी है खा लूं। और जैसे सोचा था उस भूतनी ने रमेश के घर जाकर उन सारे व्यंजनों को एक एक कर आराम से खा लिया और इतना खाया कि चल न सके। इतना सारा पेट भर खाने के बाद वो भूतनी वहीं पर सो गई। सुबह उठकर चुटकी को आश्चर्य कराने की सोचा हुआ रमेश खुद चौंक उठा था। बेटा चुटकी, मैंने तुम्हारे जन्मदिन के त्योहार पर तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान बनवाए थे, पता नहीं वो सब कहाँ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रमेश रोते हुए अपने कमरे में चला गया। तभी
होश में आई भूतनी ने छुटकी को देखा और वो घबरा गई। इतने सारे पकवान तुमने अकेले ही खा लिए, तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितनी भूखी थी। मुझे ही देखकर तुम इतना घबरा रही हो, इसका मतलब तुम डरपोक भूतनी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बाहर आओ। छुटकी की बातें सुन खुश हुई भूतनी बाहर निकली और उसने अपने भय और अपने भूख के बारे में सारी बातें छुटकी से कही। उसकी बातें सुन छुटकी हंसने लगी। बस इतनी सी छोटी बात के लिए तुम इतना डर रही हो? मैं तुम्हें एक सलाह दूं, पूनम की रात की रोशनी से ही तुम्हें दिक्कत होती है ना खाने पीने में, तो एक काम करना, पूनम की रात चांद को चुरा कर इस गांव से दूर ले जाकर छोड़ आना, तब इस गांव में कभी भी अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। उसके बाद न चांद रहेगा न पूनम की रात, तुम्हारे खाने पीने की कोई दिक्कत कभी नहीं रहेगी। छुटकी की सलाह भूतनी को बहुत अच्छी लगी। भूतनी ने चांद को चुराकर एक नाव में बांध कर रखा और नदी में तैरते हुए उसे बहुत दूर ले जाकर छोड़ आई। उस रात से उस गांव में कभी भी चांद नहीं उगा और भूतनी को खाने की दिक्कत कभी नहीं हुई। तभी से छुटकी और भूतनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब भी भूतनी को अच्छा व्यंजन खाने को मिलता, वो छुटकी के लिए भी लेकर आया करती। आर्यनगर नाम के एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी तीन बेटियां थी, विजया, वनिता और रवड़ी। कुछ वर्ष पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हुआ था, जिस कारण तीनों बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। वे लोग बहुत गरीब थे, फिर भी सुरेंद्र ने अपने बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। सुरेंद्र के पास उसके माता पिता की दी हुई जमीन थी, जिस पे खेती कर आए हुए पैसों से वो अपना घर चलाया करता, पर उसी खेती की कमाई से वो अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया भी करता। देखते देखते वे तीनों बड़े हो गए, उनकी शादी की उम्र हो गई। एक दिन सुरेंद्र खेती में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त उसके पास आया। सुरेंद्र, अब तेरी तीनों बेटियां शादी की उम्र की हो गई है, अब तक जितना कमाया था उनकी पढ़ाई और जरूरतों के लिए खर्च किए तुमने, अब शादी के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? तेरे पास इस जमीन के अलावा है भी क्या? इससे आने वाली कमाई भी ज्यादा नहीं, पता नहीं अब तो तेरा भगवान ही भला करे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम बच्चों को जो भी दे वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है, चाहे पैसा हो या गहना, पर हम उन्हें विद्या दे तो वो आजीवन रहता है। इसीलिए जितना मेरे बस में था मैंने उन्हें पढ़ा दिया। अब रही बात शादी की, तो ऐसा कोई तो होगा जो उनके गुण और अच्छाई को देखकर शादी करे, और अगर कोई भला रिश्ता आया और उन्होंने दहेज की मांग भी की तो मैं इस जमीन को बेचकर उनकी शादी करवा दूंगा, मैं जैसे तैसे जी लूंगा। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन सुरेंद्र अपनी बड़ी बेटी विजया के पास आया। बेटा विजया, पिछले हफ्ते रिश्ते के लिए जो परिवार आया था उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, एक महीने में शादी करने की सोच रहे हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पर पापा, आपके पास अब शादी करने के लिए पैसे तो नहीं है ना, तो एक महीने में शादी ये कैसे होगा पापा? तुम उसकी चिंता मत करो, अपनी जमीन है ना, मैं उसे बेचकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा ये नहीं होगा, मैं जानती हूँ आपको उस जमीन से कितना लगाव है, आप उस जमीन को अपनी माँ की तरह मानते हो, आप मेरी शादी के लिए उसे बेच दोगे? ये नहीं होगा पापा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं शादी ही नहीं करूँगी पापा, मैं भी आपके साथ मेहनत किया करूँगी, हम दोनों मिलकर बहनों की शादी करेंगे। उस दिन से सुरेंद्र के ना चाहते हुए भी विजया हर रोज खेती में उसकी सहायता करने जाया करती। इसी तरह हर रोज की मेहनत के बाद जितने पैसे बनते उनमें से थोड़ा थोड़ा कर बहनों की शादी के लिए विजया बचाया करती। एक दिन रमेश नाम का एक आदमी सुरेंद्र के पास आता है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम रमेश है, मैं आपकी छोटी बेटी रवली के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैंने उससे जब ये बात कही तो उसने कहा मैं आपसे मिलूं, अगर आप हमारे रिश्ते के लिए हामी दें तो हम शादी करना चाहते हैं अंकल,
रमेश की बातें सुन सुरेंद्र के मन में एक बात आई। उसी के चलते वो रमेश को घर के आंगन में ले गया। बेटा, तुम देखने में बड़े घर के पढ़े लिखे लड़के लगते हो। अगर तुम मेरी बेटी रवली से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा को पार करना होगा, तभी मुझे तुम्हारी बात पर आश्वासन होगा। हाँ बिल्कुल अंकल, रवली के प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास एक छोटी जमीन के अलावा कुछ नहीं। रवली के दो दीदी हैं, उनकी शादी के पहले मैं रवली की शादी नहीं करवा सकता। तुम्हारे जान पहचान में तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तुम अगर मेरे दोनों बेटियों के लिए कोई हमारे हैसियत का लड़का ढूंढ लो और उनकी शादी करवा दो तो मैं रवली की शादी के बारे में सोच सकता हूँ। रमेश ने उनकी बात मानी और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद रमेश अपने साथ दो लड़कों को लिए सुरेंद्र के घर पहुँचा। रमेश उन दोनों लड़कों को दिखाते हुए सुरेंद्र से कहता है, अंकल इनका नाम कृष्णा है, इनके पास थोड़ी जमीन है जिस पर खेती चलाकर ये अपना गुजारा करते हैं। इनके माता पिता नहीं है, ये आपकी बड़ी बेटी विजया के साथ शादी करने तैयार है और शादी के बाद ये आपके साथ ही रहेगा। इनका नाम है राज, ये बहुत पढ़े लिखे हैं और सॉफ्टवेयर की नौकरी भी कर रहे हैं। इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। आपकी दूसरी बेटी वनिता भी बहुत ही होशियार है, इसीलिए मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मेरे कई दिनों की दिन रात की मेहनत के बाद मैंने इन दोनों को चुना है। अगर ये दोनों आपको भी पसंद है तो तीनों ही शादियां एक ही मंडप पर एक ही मुहूर्त पे की जा सकती है। इतना ही नहीं, हम तीनों में से किसी को भी दहेज का एक रुपया भी नहीं चाहिए। रमेश की बातें सुन सुरेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आए। विजय और वनिता को भी दोनों लड़के पसंद आ गए थे, तो बस और क्या था। सही मुहूर्त देखकर तीनों बहनों की शादी एक ही मंडप पर की गई। जैसे पहले से तय हुआ था, बड़ी बेटी विजया अपने पति कृष्णा के साथ सुरेंद्र के साथ रहने लगी और खेती संभालते हुए वे सभी खुश रहने लगे।